नमस्कार, लोकतेज पे आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर फिर से एक बार हाजिर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जो वाक्य है वो अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब है, इसलिए क्योंकि इस वाक्य को सुन के आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स रखते हैं उसकी वजह से उनके घर में बड़ी दिक्कतें आती हैं। पर कभी आपने ये सुना है कि एक कुतिया को, यानी कि एक पोमेरियन डॉग को, इसलिए घर से मालिक ने निकाल दिया क्योंकि उनको डाउट था कि इसके और कुत्तों के साथ अवैध संबंध है, और इस बात के मद्देनजर उन्होंने कुतिया को एक मार्केट में ले जाके छोड़ दिया और साथ में एक नोट भी लिखी कि ये कुतिया बड़ी ही प्यारी है, इतना टाइम खाती है, भौंकती है, किसी को आज तक किसी ने काटा नहीं है, ये है वो है, बड़ी अच्छी अच्छी तारीफें लिखी और साथ में ये रीज़न भी दिया। और ये जो कुतिया है वो घूमते घूमते एक पीपल फॉर एनिमल्स में काम करने वाली प्राणी बचाओ संस्था जो है उसकी जो कर्ता धर्ता हैं शमीम को मिल गई। ये केरला का पूरा वाक्य है जहाँ पे ये घटना हुई थी, और ये उन्हें अपने साथ ले गई। ये बहुत ही प्यारी कुतिया है और इसे डेफिनेटली कोई देखेगा वैसे ही अपने साथ ले जाना चाहेगा। और वैसे कुतिया की आंखों में जो उम्मीद है वो ये है कि उसका मालिक जो है वो उन्हें डेफिनेटली लेने आएगा और उन्हें वापस अपने घर जो है वो लेकर जाएगा। पर ये जो वाक्य है अपने आप में बड़ा ही अजीबोगरीब है और इस वाक्य को लेकर हर जगह पे यूं कह सकते हैं रातों रात ही न्यूज सेंसेशन बन गया कि भाई ऐसा भी होता है कि एक पोमेरियन डॉग को इसलिए मालिक घर से निकाल देता है क्योंकि उसके अवैध संबंध है। और ये हंसी भी आ रही है, साथ में कुछ दया भी आ रही है कि यार ऐसे क्यों मालिक जो हैं घर से निकाल देते हैं कुत्तों को। वैसे कई मालिक ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते बड़ी गंभीर रूप से घायल होते हैं तो घर से निकाल देते हैं, बीमार होते हैं तब भी ऐसे ही निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो पालतू जानवर हैं उनको छोड़ देने के बड़े किस्से हमारे सामने आते रहते हैं। आपने देखा भी होगा मार्केट में घूमते घूमते आपको कई ऐसे डॉग्स मिलेंगे, कई बिल्लियाँ मिलेंगी जिनके मालिक ने उन्हें छोड़ दिया होता है। तो फिर से मिलेंगे इसी तरह से लोकतेज पे आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।